और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि शीत सत्र में ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव ना लेने का प्रस्ताव एकमत से रखा गया है। साथ ही देश में आए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते अब चुनाव भी आगे बढ़ाने पर सरकार द्वारा विचार किए जाने की जानकारी उन्होंने दी। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो ओबीसी राजकीय आरक्षण का जो मुद्दा उठा था, उसका आज विधानमंडल में एक मत से ठहराव पारित किया गया है और राज्य में जो भी अब इलेक्शन हो गए, लोकल बॉडीज इलेक्शन हो गए, वो ओबीसी आरक्षण के साथ ही हो गए। इस तरह का एक मत से ठहराव पारित हुआ है और इस बीच माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि कोरोना के चलते हुए चुनाव आगे बढ़ाए जाए, उसी का आधार लेकर राज्य में भी एम्पिरिकल डाटा मागास आयोग से तैयार किया जाए और जैसे ही अब विरोधी पक्ष नेता जो विधानमंडल के हैं उन्हें कहा था कि 2019 में उनने जो एम्पिरिकल डाटा केंद्र सरकार में है, जो उन्हें मैंने खुद ने देखा है, ऐसा जवाब दिया था राज्य सरकार की तरफ से राज्य के मुख्यमंत्री को, वो डाटा देखने को मिलना चाहिए, ये भी मांग राज्य सरकार के माध्यम से की जाएगी।